I think we had discussed this thing, so I'll, I'll, I'll quickly go go through this. Uh, how this was basically a uh, questions that pertain to the audience's perceptions that how they decode the, uh, the meanings. So Stuart Hall had uh, given um, um, a, the answer or at least a lead to further uh, answer this question. So what was the lead? The, the lead was consumers. ऑफ़ दि मीडिया शुड नाट कंसेपचुअलाइज एज मेयर पैसिव पॉन्स ऑफ मीडिया इमेज री कंट्रोल बाय द डोमिनट कल्चर अकॉर्डिंग टू दी इन्फ्लुशल कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिशनल रीडिंगस ठीक है वो ये कह रहा है कि अमूम हमें जो है ना और एक पुरानी हिस्ट्री भी है कुछ थ्योरीज भी ऐसी हैं जिसमें जैसे मैजिक बुलेट थ्योरी थी, थी उसके मुताबिक मीडिया के अंदर जो ऑडियंस हैं दे वर शोन एज और दे वर आर्ग्यूड इफ दे आर पैसि कि वो जो है ना पैसिव हैं वो ज़्यादा उनको जो भी कहा जाता है वो उसी पे यकीन करते हैं उनके पास पॉइंट वाज के आ, हम अमूमन जो है ना जो कंज्यूमर्स हैं या यूजर एंड पे जो ऑडियस बैठी हुई हैं हम समझते हैं कि वो उनके पास जो मैसेज आता है इनकोडेड सो दे आर पैसिव वो जैसा मैसेज आता है वो उस पर बिलीव करते हैं ठीक है इसमें में हॉल जो कि न्यू मार्क्सिस्ट हैं और उन्होंने हजमनी थ्योरी uh, दी थी उसमें वही कहते हैं कि कंज्यूमर्स ऑफ द मीडिया शुड नॉट बी कन्सपच्चुलाइज एज मेयर पैसि पॉन्स के वो uh, ऐसे uh, शतरंज के मोहरे हैं उनके ना समझा जाए कि वो बिल्कुल हरकत नहीं कर सकते या उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे हम अमूमन उनको ऐसे ही कंसेपचुअलाइज करते हैं कि मीडिया के जो कंज्यूमर्स uh, हैं दे आर पैसि पॉन्स हरगिज़ ऐसी बात नहीं है uh, ये जो है ना इसको जो है ना थोड़ा डिफरेंटली हमें uh, बल्कि अब जब से uh, मीडिया के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ गई हैं तो नाउ कंज्यूमर हैव मोर ऑप्शंस टू क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन और क्रॉस वेरीफाई द इंफॉर्मेशन एंड दिस पॉइंट आल्सो प्लेज ए रोल व्हेन इट कम्स टू डी कोडिंग ऑफ ए सर्टन मैसेज ठीक है समझ आ रही है जी सर बाकियों को भी समझ आ रही है सर yes, दोबारा बता देंगे अभी आपने क्या बताया हाँ मैंने ये कहा है कि स्टूअर्ट हॉल जो कि न्यू मार्क्सिस था जिसने एंटोनियो ग्राम्सकी के साथ हेजमनी थ्योरी जो कि हमने थोड़ी सी पहले डिस्कस की थी वो प्रपोज़ की थी उसका ये मानना है कि जो कंज्यूमर्स हैं किसी भी मैसेज के या किसी भी मीडिया कंटेंट के किसी भी मीडिया प्रोडक्ट के उनको अमूमन समझा जाता है कि वो बिल्कुल पैसिव हैं वो कुछ उनको जैसा भी कहा जाएगा वो मान लेते हैं बात जैसी भी चीज़ उनको दिखाई जाए वैसे वो उस पर अमल करते हैं ये अब ऐसा नहीं है क्योंकि मीडिया के अब तो कंज्यूमर के पास बहुत सारी मीडिया की ऑप्शंस मौजूद हैं एक मीडिया कुछ कहता है तो उसको वो क्रॉस चेक करते हैं ठीक है कि इंफॉर्मेशन क्या वाकई जो एक तरफ चल रही है वो सब वही चीज़ चला रहे हैं अगर ऐसी बात है तो वो डायनामिक यूजर्स बन जाते हैं दे आर नॉट पैसिव एनी मोर ठीक है तो इसी चीज को इसी पॉइंट को यहाँ पर बता रहा है कि कंज्यूमर्स आर नो मोर पैसिव ठीक है नाउ दे आर एक्टिव क्लियर है यस सर सर जी जी क्लियर है आगे बढ़ें यस सर ओके ठीक है जी एक और कॉन्सेप्ट uh, है इसी के अंदर ऑडियंस uh, परसेप्शन uh, की जब हम बात करते हैं डिकोडिंग की बात करते हैं वो क्या है वो कहते हैं कि द मीनिंग ऑफ मीडिया टेक्स्ट कैन नॉट सिंपली बी इस्टैब्लिश्ड बाय वन क्रिटिक्स डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट के अगर कोई एक क्रिटिक है मीडिया का वो उस मैसेज को डिकोड कर रहा है तो जो चीज़ वो बता रहा है वो चीज़ उसी तरीके से इस्टैब्लिश नहीं हो जाती और न, ना होनी चाहिए ठीक है नो मैटर हाउ सेटल और एंड फुल कितना वो आपको एक्सप्लन uh, करता है कम्प्लीट करता है या थोड़ा करता है जिस तरह जिस तरह से भी वो कोड जो क्रिटिक है मीडिया का वो डी कोड कर रहा है मैसेज दैट डजन मिनट के uh, वो, वो जो जो चीज़ उसने बताई है वो स्टेब्लिश हो गई है बिकॉज ऑल टेक्स्ट आर टू समिग्री ओपन ठीक है ओपन का मतलब क्या है कि अगर कोई मैसेज किसी मीडिया कंटेंट के अंदर दिया जा रहा है सो इट मींस के इट मे हैव अनदर मीनिंग एज वेल किसी भी मैंने आपको बताया था शुरू में कि किसी भी मैसेज का सिर्फ वही मतलब नहीं होता जो कि आपको उस वक्त ज़ाहरी तौर पर समझ आ रहा होता है हो सकता है उसके पीछे कोई हिडन मैसेज भी हो जो कि आपको कंप्लीट कंटेंट का जब आप डिकोडिंग कर लेंगे लोगों से कंफर्म कर लेंगे कि यार इसके मेरा मेरी प्रसप्पन इसके बारे में ये है आपकी परसप्शन क्या है फ़लाने की परसप्शन क्या है फिर लोग मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन आएगी तो हर किसी ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो जब एक डिस्कोर्स इन मल्टीपल लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा उसमें फिर आपको समझ आती है कि वो मैसेज के अंदर हकीकत में और कौन कौन से मैसेज़ uh, जो हैं वो हिडन थे ठीक है ओपन को उसने एंड कोट किया है कि पॉलीसेमिक और केपेबल ऑफ मल्टीपल मीनिंग्स कि एक ही मैसेज के अंदर बहुत सारे मतलब हो सकते हैं अगर एक बंदा एक क्रिएटिव मीडिया का डिकोड कर रहा है मैसेज दैट शुड बी इस्टेब्लिश फुली ठीक है हो सकता है कि उसके अंदर और भी मतलब हो क्लियर है yes, sir. Yes, sir. आगे sure, बढ़े सर अगर इसमें क्लियरिटी नहीं है तो मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ अगर किसी को कोई क्लियरिटी नहीं है बेसिकली कह रहे हैं ना कि हाउ वी परसीव द मैसेज फॉर आवर डे डे टू कंजम्पशन एग्जैक्टली बैक एंड पे तो जो मेन कंसेप्ट है वो यही है लेकिन फर्दर चूंकि हम इस डिस्कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जहतों में जाकर इसकी बात की है और एक जो है ना वो ये कि अगर कोई सिंगल क्रिटिक uh, uh, है

जैसे सर वो कहते हैं कि ये बात स्याको सबाक से हटके की गई है वो उसी से रिलेटेड सर ये भी होगा ना कि मतलब कुछ और हम ले रहे होते हैं बज दफ़ा उसका मतलब कुछ और होता है एग्जैक्टली वो भी रेलिवेंट बनता है किसी हद तक क्योंकि हम किसी भी मैसेज को तब तक फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक हमने उसका स्याक सबाक नहीं पढ़ा हुआ उससे हम वाकिफ नहीं हैं मैं कहता हूं कि आज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 120 रुपए फी लीटर कर दिया ठीक है ना मैसेज ख, आ, मैंने जो आपको पहुंचाया यही पहुंचाया इसका स्याक सबाग क्या है वो मुझे नहीं पता हो सकता है साको सबाग में ये फैसला इसलिए लिया गया है कि हकूमत को बहुत सारी इकनॉमिक फ्रंट पे दुश्वारियों का सामना था आलमी मार्केट के अंदर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ठीक है बैरल पर बैरल जो कीमत है तेल की वो बहुत ज़्यादा थी हम हमने सिर्फ इतना ही जैसा मैसेज सुना है कि हुकूमत ने उसको उसकी कीमत को लोकल सतह पर एक सौ बीस रुपये कर दिया है जो कि बाहिर उसके अंदर मैसेज इतना ही है ख़बर के अंदर कि कीमतें बढ़ गई हैं लेकिन क्यों बढ़ी हैं वो श्याको सबाक से रेलिवेंट है तो अगर इस चीज़ को पूरा फुली अंडरस्टैंड करना है तो फिर आपको स्याको सबाग को स्टडी करना पड़ता है कि आपके जो आ, बैक एंड पे जो सिचुएशन है वो क्या थी जिसके बिना पर ये फैसला किया गया है ठीक है ये उससे रेलेवेंट जरूर है साबाक लेकिन पर्टिकुलर टू दिस कोर्ट के जिसमें वो कह रहा है कि द मीनिंग ऑफ मीडिया टैक्स कैन नॉट सिंपली बी इस्टेब्लिश बाय वन क्रिटिक्स डिकोडिंग ऑफ द टैक्स के किसी भी मैसेज किसी भी मीडिया का मैसेज अगर किसी एक बंदे ने डॉड किया तो उससे फुली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता नो मैटर हाउ सेटल एंड फुल बिकॉज ऑल टेक्स्ट आर टू समिग्री ओपन बिकॉज ऑल टेक्स्ट आर टू समिग्री ओपन विच मीन के जितने भी मैसेज होते हैं वो किसी हद हाँ तक ब्रॉड मीनिंग रखते हैं ब्रॉडर उसकी लैंग्वेज होती है उसके अंदर आप एक से ज़्यादा उसकी इंटरप्रटेशन कर कर सकते हैं

Uh, मुख्तलिफ मैसेज़ के हवाले से खूस इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ विमेन के विमेन कैसे मैसेज़ uh, को डिकोड करती है ठीक है और खसूस वो मैसेज जो उससे से रेलिवेंट ज़्यादा हैं क्या क्या वो सेलेक्ट करती है उसके अंदर चीज़ें उसकी सिलेक्शन के क्राइटेरिया कैसा होता है और uh, अगर वो कुछ चीज़ों को सिलेक्ट या प्रायरटाइज़ कर रही है किसी चीज़, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर तो हो सकता है कि वो उसकी जो सोशल सेटिंग्स हैं वो उनकी वजह से या जो उसका रहन सहन है या जो कल्चरल सेटिंग है उसकी वजह से वो हो सकता है कि उन चीज़ों को प्रायरटाइज़ कर रही हो लेकिन अंदर उसके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हो सकती है वो मुख्तलिफ उसके बिहेवियर या एटीट्यूड से पता चल सकता है ठीक है ना इसको रीड करते हैं तो मेरी ये जो बात मैंने आपको कही शायद थोड़ी सी आपको समझ आ जा आ, जा, आ जाए जेनिस रेडवे ने बेसिकली ये जो स्टडी कंडक्ट की थी वो रोमांस रीडिंग्स के ऊपर की थी कि जो मुख्तलिफ़ रोमांस नावल्स होते हैं रीडिंग्स होती हैं उनको कैसे एक घरेलू खा, खा, खातून जो कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है वो वो कैसे इंटरप्रेट करती है विद रिलेशन टू हिज़ और हर पार्टनर ठीक है सो शी सेज़ शी एक् नॉलेजी दैट रोमांस रीडिंग कैन फंक्शन एज ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ऑल टू कॉमन टास्क Of reinterpreting spouses' unsettling actions as the signs of passion, devotion, and love. Yet she sees in their selection of certain books as favorite, and rejections and rejection of others, their active tendency to critique certain patriarchal, masculine behavior, substituting an ideal of the nurturing. Male that may be missing in their own family lives. Through the act of reading itself, this group of women romance readers escape temporarily from familial demands on their time, and Radway right interprets this action as potential resistance to the patriarchal restrictions of their lives. Hai? Ab wo basically, this? उसके जो जो उसकी फैमिली लाइफ है उसको उसके रेफरेंस में उसकी जो रीडिंग्स हैं उसको डिस, डिस्कस कर रही है कि कैसे एक खातून जो है वो रोमांस रीडिंग्स को इंटरप्रेट करती है और जो इंटरप्रेट जो उसके अंदर मैसेज है उसको किस तरीके से डिकोड करती है और उसकी डिकोडिंग के अंदर कितने और क्या क्या अवामिल जो है ना वो कारमा हो सकते हैं क्लियरली वो एक चीज़ ये कहती है कि जो सिलेक्शन ऑफ बुक्स है उसकी जो फेवरेट बुक्स हैं या रिजेक्शन ऑफ अदर्स वो उसकी जो है ना एक्टिव टेंडेंसी से रिलेट करता है टू क्रिटिक सर्टन पेट्रियल मेस्कुल बिहेवियर हमारी लाइफ के अंदर ना हमेशा थोड़ी सी टसल मौजूद होती है मेल और फीमेल के दरमियान हम अगर बहुत अच्छे पार्टनर्स भी हैं कहीं ना कहीं हमारे जो है ना दरमियान में कोई ना कोई टसल होगी और वो बेसिकली कहीं ना कहीं रिलेट करती है मैस्कुल पेट्रीर्कल बिहेवियर के जो मर्दों के अंदर एक शुरू से हमने शुरू में क्लासेस में डिस्कस किया था कि पेट्रियार्कल बिहेवियर क्या होते हैं हमने वो जो चीज़ है ना वो मर्द के अंदर जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अगर से कितना ही जो ना एक राइट्स पर क्यों ना बिलीव करता हो कहीं ना कहीं जो ना कोशिश करता है कि वो अपनी जो पेट्रियारकल माइंड है उसके तहत चीज़ों को ड्राइव कर करें और आ, वो उसके मेस्कुलन पेट्रियारकल बिहेवियर काउंट होते हैं ठीक है ना उससे कही कहीं ना कहीं ख़ार खाती है खातून ठीक है और उस चीज़ को वो क्रिटिक का निशाना बनाती है ठीक है ना सब्सिट्यूटिंग एन आइडियल ऑफ द नर्चरिंग मेल दैट मे बी मिसिंग इन देयर ओन लाइफ के एक जो आइडियल मर्द की जो एक ख्वाहिश होती है ना वो जो कि हमारी अमूमन जो है ना हमारी फैमिलीज़ में मिसिंग होती है स्पेशली फ्रॉम द दर्स्पेक्टिव ऑफ वूमेन ठीक है ना उस से बरअक्स ठीक है और वो जो पेट्रियारकल जो मेस्परिन बिहेवियर्स है उसको वो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके हवाले से रिजेंटमेंट मौजूद है अगर अगरचे वो मजबूर होती है बेचारी के जो है ना वो उसी सेटिंग के अंदर रहकर चीज़ों पर कंप्रोमाइज भी करती है और बहुत सारी मामला को सीधा सही चलाने के लिए वो कम्प्रोमाइज जो है उसकी लाइफ का हिस्सा होता है लेकिन अंदर उसे कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से रेजिस्टेंस क्योंकि ह्यूमन है ना ह्यूमन नेचर है जो चीज़ उसको पसंद नहीं है या जो उसकी आइडियालॉजी या उसकी फ्रीडम्स के साथ थोड़ी सी कॉन्ट्रेडिक्ट करती है या उसको कंटेल करने इनको कर्टेल करने की कोशिश करती है तो वो उसको उसको थोड़ा सा अंदर से कहीं ना कहीं से उसके अंदर उसकी नफरत ज़रूर है ठीक है तो इसी के बेस के ऊपर वो उसकी जो से रीडिंग्स हैं सिलेक्शन ऑफ़ रीडिंग्स वो बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट करती है सिर्फ इसी बुनियाद पर और बहुत सारी चीज़ें उसकी फेवरेट बन जाए जिसमें ज़्यादा किसी रीडिंग के अंदर रोमांस रीडिंग के अंदर मेस्कुलिन uh, जो पेट्रिया बिहेवियर है उस पर क्रिटिसिजम होगा वो उसकी सिलेक्शन में uh, उसकी हेल्प करेंगी और वो उसकी हो सकता है फेवरेट रीडिंग्स हों ठीक है तो इसी तरीके वो नेक्स्ट वो कहती है कि थ्रू द एक्ट ऑफ रीडिंग इट्स सेल्फ दिस ग्रुप ऑफ विमेन रोमांस रीडर्स इस्केप टेम्परेली फ्राम दी फेमिल डिमांड्स के जो उसकी जो उसकी जो अपनी जो डिमांड्स हैं उस सेटअप की जहाँ पर वो रह रही है उसके अंदर जैसे मैंने कहा ना कंप्रोमाइजिंग होती है तो टेम्परेरली वो जब इस किस्म की रीडिंग्स करती है ना जब वो पढ़ती है इस तरह की चीज़ें तो वो कम से कम थोड़ी देर के लिए उन सारी डिमांड से उसको इस्केप मिल जाता है वो उनको भूल जाती है ठीक है और अपने आप को एसोसिएट करना शुरू कर देती है इन जो जैसा वो चाहती है और इन रीडिंग्स के साथ जैसी उसकी सिलेक्शन उसने की है ठीक है एंड रेडवे इंटरप्रेट्स दिस एक्शन एज पोटेंशियल रेजिटेंस टू दी पेट्रियारकल रिस्ट्रिक्शंस इन देयर लाइफ कि यही जो चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी जिस तरीके से वो उसके अंदर आ, इसको थोड़ा सा स्केप मिलता है ये इसके अंदर पोटेंशियल रजिस्टेंस बन आ, की सलाहियत रखते हैं कि किसी मुकाम पर जाके वो हो सकता है कि वो जहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर रही है अगेंस्ट पेट्रिया ऑन ऑन पेट्रियारकल मेस्कुलिन बिहेवियर हो सकता है आगे जाकर उस पर वो कहीं पर जाके उसको उस उसको उसके ऊपर उस खड़ी हो जाए कि नहीं अब अब मज़ीद नहीं होगा ठीक है और ये ऐसे ही चेंज आया है सोसाइटीज़ के अंदर के एक टाइम पर जाकर कहीं जब आ, कहते हैं ना कि पैमाना हद से बढ़ भरा जाए तो वो छलक पड़ता है ठीक है तो इसी तरीके से हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स भी हैं कि हम किसी हद हाँ तक चीज़ों को जैसे स्ट्रेस है उसको हम किसी हद हाँ तक उसको अपने अंदर जज्ब करते हैं करते करते, करते 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 कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है ना वो हमारे जो लेवल है जो मैक्सिमम लेवल है उसको जब वो क्रॉस करता है तो फिर हम फट पड़ते हैं और ये भी ह्यूमन नेचर है कि एक हद तक जो दबाव है स्ट्रेस है उसको बर्दाश्त कर सकता है उसके बाद आप जो है ना बर्न आउट होना शुरू हो जाते हैं ठीक है और जब बर्न आउट शुरू हो जाते हैं तो बाद आप फिर बिल्कुल कोलेप्स कर जाते हैं तो इन चीज़ों का वेंट आउट बहुत ज़रूरी है जब तक आप वेंट नहीं करते इन चीज़ों को तब तक आपके अंदर जो आपके अब अब एक नॉर्मल Uh, human या एक जो एक life है हमारी हेल्दी लाइफ वो हम उस तरीके से गुजार नहीं सकते तो ये एक बड़ा टेक्स्ट है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्राम परस्पेक्टिव ऑफ गिविंग दिस पर दिसमिनिज्मीड

थोड़ा फैंटेसी हाँ थोड़ी uh, थोड़ी फैंटेसी लाइफ है लेकिन के अंदर इट हैज सेटल्ड द ब्रेन तो मेरा क्वेश्चन ये है कि द मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म दैट हाउ हैज दैट चेंज अर आइडिया क्योंकि इन अ वे वी डू सपोर्ट वी डू रिलेशनशिप लेकिन हाउ हैज दैट इम्पेक्टेड

चाहना केयर uh, करना किसी की या किसी कोई आपकी केयर करे इट्स वेरी ह्यूमन नीड तो मैं इसको रिलेट करता हूँ बेसिकली ह्यूमन नीड्स के साथ कि ह्यूमन नीड्स इंसान की क्या हैं uh, ये बहुत नॉर्मल uh, uh, सी बात है कि uh, हम अट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट uh, जो जेंडर्स हैं उस, उसकी तरफ अपनी जो भी हमारी uh, orientation है उसके मुताबिक ठीक है और इट्स वेरी ह्यूमन नीड कि हम आ, हमें कोई पसंद करे और आ, हमारा कोई ख़्याल रखे अफेक्शन हो मुख्तफ़ लोगों के साथ आपकी अफेक्शन होती है ठीक है और इट्स वेरी नॉर्मल इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम कहें कि बिल्कुल आ, आ, हम ये एक इंसानी ज़रूरत नहीं है ये इंसानी ज़रूरत है इस चीज़ में तो हम हमें क्लैरिटी होनी चाहिए ठीक है और रोमेंस का भी जो जितना भी हमारा उसके साथ तालुक है वो इसी ह्यूमन नीड से होता है अब फेमिनिज़म ने इस को कैसे इम्पेक्ट किया विमेन को उसने एम्पावर किया है एक तरीके से या उसको अवेयर किया है कि देखें ह्यूमन नीड्स ठीक हैं लेकिन आप आ, कमस कम से कम ह्यूमन नीड के हवाले से और भी बहुत सारे जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं इक्वालिटी के जो मैटर्स हैं अपनी ह्यूमन डिग्निटी है उसको भी नज, मद्देनज़र रखें अब हो सकता है कि आप की अफेक्शन किसी एक मेल के, फीमेल के हवाले से या किसी भी जेंडर के हवाले से हो हो सकता है कि उसकी उतनी ना हो जितनी आपकी है तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि जो जो दूसरा पार्टनर है वो आप आपको जो है ना कहीं ना कहीं पर डोमिनेट कर रहा होगा आप पे ठीक है ना क्योंकि आपकी इफेक्शन है तो आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उस एफेक्शन की वजह से उस रोमांस की वजह से कंप्रोमाइजिंग uh, सिचुएशन में जाने के लिए तैयार हों और जो दूसरा अपोज़िट पार्टनर है वो हो सकता है कि वो इस इस पोजीशन को या इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइड करें ठीक है तो फेमिनिज्म ने इतना अवेयर ज़रूर कर दिया है वेमेन को कि ऐसी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए जिसमें आपकी इंडिविजुअल जो ह्यूमन डिग्निटी है एक औरत की एक वेमेन की या किसी और जेंडर की वो हर्ट होती हो और अगर ऐसा है

because of of the impact different different societies and subcultures right hum evolve kar rahe, thought process ko. true true डिकोर्स क्या कहता है जो कि हमने आपकी आपसे भी सुना बहुत सारी चीज़ें और मैंने और भी क्लासेस से सुनी है और अनफॉर्चुनेटली आपकी क्लास में एक दो तीन लोग ही थे जिन्होंने कुछ पढ़ा भी था और वो समझ के भी आए थे थोड़ी सी चीज़ें लेकिन चूँकि आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई इस टॉपिक के साथ सो आई थाट कि मुझे ख़ुद इसको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो स्टडी ऑफ आइडियालॉजी इज़ इल्टीमेटली कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ मीडिया टेक्स्ट बिकॉज दे प्ले मेजर रोल इन प्रोड्यूसिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग आइडियालॉजीज़ ठीक है ना स्टडी ऑफ आइडियालॉजी आइडियालॉजी क्या होती है किसी का को उपर, आ, कोई इसके ऊपर कोई कमेंट आइडियालॉजी क्या है सर मैं बोलूं सेट ऑफ आइडियाज सेट ऑफ आइडियाज सर आइडियोलॉजी आइडियाज सर ये एक होता तो तो कंटीन्यूअसली तो तो चल रहा होता है कोई दिन या हफ्तों में नहीं बनता बल्कि इसका एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है सही है और कोई एनी अदर सर यही आइडियोलॉजी इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस दैट वी हैव सही है तो आइडियालॉजीज़ मुखलिफ़ हवालों से मुखलिफ़ मुख चीज़ों के हवाले से आपकी आइडियालॉजी होती है और आप कुछ आइडियाज़ के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं और बड़े स्ट्रांगली एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं और फिर वह आइडियालॉजीज़ आपकी लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट करती हैं मुख्तफ़ मामलों के ऊपर आप मुख्त मा, मामल के हवाले से उन आइडियालॉजी से मुतासर होके आप चीज़ों की इंटरप्रटेशन मांगते हैं करते हैं और तमाम आपके जो सोशल और आपके पोलिटिकल मामलत हैं वो उन्हीं आइडियालॉजी से मुतासर होके आप आ, अपने चलाते हैं मामला तो ये जो स्टडी ऑफ आइडियालॉजी है वो कह रहा है कि इट्स इंटीमेटली कनेक्टेड के बहुत क्लोजली uh, कनेक्टेड है विद द स्टडी ऑफ मीडिया टेक्सट कि मीडिया के अंदर टेक्स्ट है जो उसका एनालिसिस है जिस जो उसकी डी है उसका उसका तरीक़ेकार उससे ये बड़ी कनेक्टेड है क्योंकि जो मीडिया बिकॉज मीडिया हैज़ ए रोल ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ओपिनियंस और मेकिंग एंड ब्रेकिंग ओपिनियन अल्टीमेटली रिजल्ट इन योर आइडियालॉजी डिफरेंट आइडियालॉजीज ठीक है ना तो इसलिए वो कह रहा है कि बड़ा कनेक्टेड है और एक चीज़ मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है वो क्या है वट डू वी मीन वेन वी से दैट वी व्यू जेंडर रेस एंड क्लास एज सोशल कंस्ट्रक्ट्स के जब हम बात करते हैं जेंडर रेस एंड क्लास की तो क्या मतलब है कि ये सारे के सारे सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं कि ये सोशली दे आर कंस्ट्रक्टेड चाहे जेंडर है चाहे रेस है चाहे क्लास है इसका मतलब ये है जिसमें वो जेनिस् का एक आर्ग्यूमेंट है वो कहती है कि फेमिनिस्ट uh, ने कम से कम ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर ये चीज़ इस्टेब्लिश करा ली सक्सेसफुली कि वेमेन आर जो वेमेन हैं दे आर बो बॉर्न जो पैदा होती हैं वो बायोलॉजिकली ज़रूर वो आप उनको फीमेल uh, कह सकते हैं बट वेमेन इज़ ए सोशल फिनिना कि जो फीमेल है जो पैदा होती है उसकी सोशलाइजेशन इस तरीके से वो मुख्तलफ uh, uh, अपनी लाइफ के अंदर मुख्तिक एक्सपीरियंसेस से गुजरती है मुख्तु हाँ जेनेसी कह रही हैं ये देखिए अब ये जेंडर के बारे से वो बात कर रही है कि वेमेन आर नॉट बॉर्न बट मेड कि जो जो वेमेन है ना वेमेन वेमेन और फीमेल में फ़र्क होता है मैंने आपको पहले शुरू में बताया ये क्लियर किया हुआ है कि फीमेल इज़ ए बायोलॉजिकल टर्म ठीक है न और जब सेक्स की असाइनमेंट होती है किसी भी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो दैट इज़ ए बायोलॉजिकल थिंग डॉक्टर वो डिसाइड करता है कि एग्ज़ामिनेशन के बाद कि बच्चा क्या वो एंड सेकेंड पार्ट है कि देट कल्चरल आइडिया ऑफ परफेक्ट वोमन अब वो फेमिनिस्ट की यहाँ पर एक खास आइडियालॉजी के वो देखती हैं कि एक हमारे सोसाइटीज़ के अंदर एक बात की जाती है कि परफेक्ट वमेन कौन सी क्या होती है तो उसकी डेफिनेशन हमारी सोसाइटी ये करती है अक्सर कल्चर्स में डिफरेंट है वो जैसे पाकिस्तान में परफेक्ट वोमन की अगर मैं बात करूँ आप ही से मैं पूछूँ तो आप मुख्तल तरीके से इसको आ, आ मुझे कहेंगे कुछ लोग खास सिफात गिनाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि परफेक्ट वोमन बनेगी ठीक है इसी तरीके से यू एस ए कल्चर में भी था चलो मैं ये क्वेश्चन आपसे आप पिपोज़ आप कर देता हूँ तो आपकी क्या इस पर रिस्पॉन्स आएगा वट इज़ द परफेक्ट वमेन आपकी थाट क्या है तो चलें मैंने इसलिए एक क्वेश्चन किया था आइडिया हम सबको हो गया है कि बेसिकली आ, जो परफेक्ट वुमेन का हमारी सोसाइटी के अंदर पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर या साउथ एशियन सोसाइटी या एक चूँकि हम मेजॉरिटी मुस्लिम सोसाइटी हैं तो उसके अंदर एक क्या परस्पेक्टिव होता होता है तो अक्सर ने ये कहा कि परफेक्ट वुमेन जो हमारी सोसाइटी है वो देखती है परफेक्ट वुमेन को मैन के साथ जोड़ती थी मैन जो है वो खुश है सेटिसफाई है तो वो वुमेन परफेक्ट है अदरवाइज वो परफेक्ट नहीं है ठीक है तो ये एक आवाज आ रही है वो तो मैं कॉल आ गई थी ठीक है तो हमने हमारी सोसाइटीज में सिर्फ मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ एक नॉर्मल पेट्रियार्कल सोसाइटी कोई भी ले लें चाहे वो यूरोप में है या चाहे वो साउथ एशिया के किसी भी कंट्री में है पाकिस्तान में है इंडिया में है बांग्लादेश में है एनी वेर एल्स ठीक है ना तो ये एक पेट्रियाल सोसाइटी में वीमेन का जो परफेक्ट वमेन का इमेज है वो ये है कि उसको हमेशा मैन के सेटिसफेक्शन के साथ जोड़ के देखा जाता है चाहे वो भाई हो चाहे वो बाप की सेटिस्फेक्शन हो चाहे वो हस्बैंड की ठीक है ठीके? तो ये एक परफेक्ट वमेन जबकि ये जो चीज़ है ट्वेंटी सेंचुरी में बहुत सारे माशरों में थोड़ा सा चेंज हुई है सही है अब देखिए ना आप ही में से बहुत सारी विमेन आपकी जो जो लड़कियाँ आप बैठी हुई हैं आप ये कह रही हैं ना कि यार सिर्फ मर्द की ही सैटिस्फेक्शन क्यों उसकी अपनी राइट्स नहीं है उसकी अपनी सेटिसफेक्शन के वो क्या करना चाहती है आप में से कुछ लोगों ने आप कुछ लड़कों ने बड़ा प्लेजेंट जवाब दिया कि यार उस खातून को माशरे के अंदर रहना भी आता हो कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है चैलेंजेस को अब वो रह रही है रहना रहना तो इसी दुनिया के अंदर है ना इसी दुनिया के अंदर जितनी भी आ, क्यों ना खर, खराफात हों बुरायाँ हों इस अगर वो कुछ किस, किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में आ आ जाती है उसको पता होना चाहिए मैंने इस चैलेंजिंग सिचुएशन से कैसे निकलना है ज़िंदगी के जो मसाइल हैं जो ज़िंदगी की हकीकतें हैं उससे लड़ना जानती हो तो ऐसी वेमेन कैसे आएगी कि आपने उसको इतना एम्पावर किया हो उसकी इस तरह वमेन है जो अपने इन चैलेंजेस जो आज के इस दौर के चैलेंजेस है उनसे उन लड़ना जानती है तो वो परफेक्ट वुमन है ठीक है तो शिफ्ट आया है तो ये एक तो यहाँ पर एक और वो कैरेक्टर की बात कर रही है बेसिकली इट्स प्रोपेगेंडा करेक्टर ऑफ वर्ल्ड वार टू और आफ्टर वर्ल्ड वार टू आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि एक, एक रोज़ी द रेवर्टर का कैरेक्टर था उस वक्त जब एक वर्ल्ड वॉर कि टू की सिचुएशन थी जब मर्द जो है नापैद होते जा रहे थे और उनकी जो फैक्ट्रीज़ और इस तरह के कारखाने हैं उनकी इकानमी बिल्कुल बैठ गई थी बल बड़ टू के अंदर तो फिर खवान बाहर निकली थी ठीक है उन्होंने ये सारे काम किए थे ताकि जंग को जीता जा सके क्योंकि इवन के वो फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी जिसमें असला बनता था तो उस वक्त एक रोज़ी द रेवर्टर का कैरेक्टर आया था वी कैन डू आपने सुना है ना वो जी हाँ जी हाँ जी वी कैन डू इट ठीक है ना वो रोज़ी द रवेटर का एक कैरेक्टर है उस पर पूरा एक सॉन्ग य आप अक्सर को गूगल करेंगे ना रोज़ी द रवेटर ये पूरा सॉन्ग भी है बेसिकली इस सॉन्ग के थ्रू वेमेन को उस वक्त आ, इतना इंक्रेज किया गया कि वो अब वो काम करें जो सिर्फ पहले तस्वर किया जाता कि सिर्फ मेल ही कर सकते हैं है, मैन ही कर सकते हैं सॉरी ठीक है ना तो वो एक प्रॉपागेंडा एक करेक्टर है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा रोज़ी द रवेटर बड़ा खूबसूरत गाना है घर में डेढ़ मिनट का गाना है अभी विश आल्सो प्लेड बट माई इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग बट इस हिस्ट्री से जो ना थोड़ा सा वाकिफ होना जरूरी है सो नेक्स्ट पॉइंट इज द आइडिया ऑफ जेंडर बायोलॉजिकली फिक्सड विथ थ्री कैटेगरीज हैज़ हैड रिकनसेपचुअलाइज फर्स्ट बाय फैमिलीस एंड देन बाय कुर थ्योरिस्ट के पहले जो आइडिया था जेंडर का बायोलॉजिकल बायोलॉजिकली जेंडर जैसे मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं या फिर ट्रांसजेंडर जो कि तीन कैटेगरीज़ में इसको पहले डिवाइड या फिक्स किया जाता था अब वो बहुत ज़्यादा सिर्फ बाइनरी नहीं है मेल फीमेल जेंडर नहीं है या मैन या वमेन वो जेंडर इतना इतना महदूद आइडिया नहीं है अब ट्रांसजेंडर भी है उसके अंदर उसके अंदर लेसबियंस भी हैं गेज भी हैं और एट्सेट्रा एटसट्रा बहुत सारे और भी ओरिएंटेशन दे आर और पार्ट ऑफ जेंडर ठीक है तो ये आइडिया भी जेंडर पे चेंज तो ये जेंडर के ऊपर एक पूरा स्कूल ऑफ थाट है